मैं हूं हैदर वहीद Or मैं हूं हूँ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360 360. आज जिन मेहमान को हमने दावत दी है वो नए नए सियासत के अंदर तो नहीं है लेकिन नए नए रिटर्न टू तो सियासत जरूर है पाकिस्तान तरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है फॉर्मर डी जी आई बी मसूद शरीफ खटक साहब ने थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग खटक साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर पहले तो सर ये बताइए कि एक एक्स एक आर्मी मैन जो कि काफ़ी सारे सियासतदानों की नज़र में बहुत कॉन्ट्रोवर्शल मैन है उनको अब सियासत में क्या नज़र आता है इमरान खान की सियासत में क्या नया नज़र आता है या क्या अलग नज़र आता है देखिए पहले तो ये है कि आप मुझे उस कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर हुआ था 1986 में और एटी सिक्स के बाद आप देखें कि मेरा वास्ता थ्रू आउट शहीद मोहतरमा बेनदीर भुटो से हुआ अल्लाह ने हैं और आ, पी 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 के साथ बाद में फिर मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर मैं दस साल रहा वाइस प्रेजिडेंट पी 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 पी, -पी पार्लियामेंटेरियन का पाँच छः साल दो हज़ार दो से लेके दो हज़ार सात तक दो हज़ार सात पर आके मेरी मेरी राहें जुदा हुई पी 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 के साथ सिर्फ इस वजह से कि हम एक जज्बे के तो, तहत उस पार्टी में थे और वही जज्बा हमारी लीडरशिप में भी था बट एट वन स्टेज फॉर मैनी रीजन आई डोंट नो मनी ऑफ दम के वो पार्टी ने एक डील की जो आज इन फेमस एन आर ओ डील से पहचानी जाती है नाम से तो वो होने से पहले जब सबको नज़र आता था कि मोहतरमा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं तो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिर्फ दो लोग जनरल नसीरला खान बाबर और मैं उन्होंने पीपीपी की पॉलिटिक्स से किनारा कशी की मैंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरशिप सेंट्रल एग्जिव कमेटी वाइस प्रेजिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से रेजिग्नेशन दिया और ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर नज़ीर भुटो की जिंदगी में हुआ 10 दिसंबर 2007 को मैंने एक ओपन लेटर के तहत रिज़ाइन uh, किया गिविंग ऑल द रीज़न दैट आई थाट वर गुड इनफ कि मैं अभी इसके बाद इस, इस रास्ते पे नहीं चल सकता और फिर उसके बाद मैं सिविल सोसाइटी के साथ शामिल होकर ये रेस्टोरेशन ऑफ जुडि जुडिशरी की मूवमेंट में शामिल हुआ ये टीयर गैसिंग चीफ जस्टिस के घर के आगे सारा तो ये मेरा एक रास्ता अपना तयन किया हुआ था इससे फौज से क्या तलक से खटक साहब मैं फौज से ताल्लुक कह रहा था एक एक्स एक आर्मी मैन का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अब जा जाके ज्वाइन करना पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था लेकिन से... खटक साहब मुझे मोइस की बात से बड़ा ताजुब हुआ कि इन्होंने जब कहा कि एक्स एक आर्मी मैन का सियासत से क्या ताल्लुक <laughs> है तो अगर हम में का क्या था था? आपका है तो अब आप सियासत में आ रहे हैं तो आप वो डिक्टेटोरियल निज़ाम लाएंगे मेरे ख्याल से उनका मतलब इससे कुछ और था बहरहाल आपने अपनी कहानी अच्छी बयान की और आपने ये भी अच्छा बताया कि जब इकतदार की बारी आई पीपल्स पार्टी की तो उस वक्त आप उसूल पे अलहदा हो गए और उसूल के साथ रहते हुए आप जुडिशरी की मूवमेंट में शामिल हुए ये सारी बातें तो वाकई असूल परस्ती की मुझे लगती हैं अब ये बताइए कि इमरान ख़ान साहब के जो उस हैं वो कोई नए नहीं हैं लेकिन आपने ये मौका चुना जबकि लगा कि जलसा इतना बड़ा हो गया है नवाज़ शरीफ़ साहब के कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चांसेस इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि दुनिया उनके ख़िलाफ़ लगता है खड़ी हुई है और वो आपने मौका चुना कि ख़ान साहब के, के एज ओल्ड क्रेडिबिलिटी और प्रिंसिपल्स को अपनाया जाए तो इसमें कोई अपरचुनिज़म तो नहीं है ये मौका क्यों चुना आपने आ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि हमारा खटक साहब के साथ काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी बातचीत इस तरह की नहीं थी मेरी उनसे वाकफियत काफ़ी पुरानी है और लास्ट जो फ्लड्स थे जब ख़ान साहब का एक ख़ास मीडिया ग्रुप के साथ वो डोनेशन कलेक्ट करने के लिए और फ्लड रिलीफ एक्टिविटी के लिए जब उनका वो एग्रीमेंट हुआ था उस वक़्त भी मैं अगर किसी ने देखा हो तो मैं तरीके इंसाफ के सेंट्रल सेक्रटरीट भी गया इमरान खान साहब के घर पे भी गया ख़ुद एज अ वॉलेंटियर क्योंकि मैं सोचता था कि वो उनका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था उस वक्त का सैलाब भी आपके सबके सामने है कि क्या हालात थे मुल्क के तो मैं खुद गया उनके पास कि जी इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो मैं नहीं आपके साथ इस वक्त वो कर रहा हूँ बट आई वुड लाइक टू वर्क विद यू ऑन दिस फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ तो फिर उसके बाद सम इतना पोलिटिकली वो नहीं कन्वर्ट हुआ लाइक आई एट मे बी देवर सम वीकनेस उनकी साइड पर या के पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है परसिवेरेंस कि अगर कोई आदमी आया है तो उस पर पार्टी की तरफ से कितना आ, एफर्ट किया जा रहा है ताकि ये अब आए हैं तो जाए ना तो मे बी दैट एफर्ट वॉज नॉट देर एंड आई कुड नॉट मेक अप माई माइंड एट दैट टाइम और <coughs> मैं शायद उस वक़्त ही फैसला कर लेता तो ये अचानक नहीं है ऐसे कि अचानक यस आप मेरे देखें, देखें शरीफ कॉम्डन तो अब अब से मेरे सारे आर्टिकल देखें आप प्रिंटेड है दुनिया के सामने हैं वो आपके एक इंसान के अंदरूनी ख्याल सामने मैंने जाहिर किए हुए और वो अगर आप कंपेयर करें इमरान खान साहब के मंशूर के साथ तो मेरा सर मुझे लगता मुझे इससे इससे कोई मुझे मुझे शक नहीं है कि आप उसूली तौर पे खान साहब के मौके फॉर आइडियोलॉजी से इतफ़ाक़ करते हैं और आपने हो सकता है उसूलों की बुनियाद पे ही उन्हें ज्वाइन किया हो लेकिन ये जो तासर आजकल मिल रहा है कि क्योंकि आप आईबी के चीफ रह चुके हैं और इंटेलिजेंस के इदारों से औरलॉन्स ऑफ पावर से आपके अब तक का जरूर होंगे तो ये जो एक तासर आज मिल रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है या फिर इसमें कुछ मीडिया के भी शायद इदारे आ जाते हैं जो कि खान साहब के हवाले से खासकर आजकल मेहरबान हैं तो कहीं ये एक झुकाव देख के तो नहीं आजकल ये फैसले लोग कर रहे हैं नहीं मैं अपने लिए बात करूंगा कि ऐसी बिल्कुल बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है एंड इसमें इस्टाब्लिशमेंट का कम अज़ कम मेरे साथ अगर इस्टेबलिशमेंट में होना होता तो मैं जनरल मुशरफ़ के टाइम पर गवर्नमेंट में होता मेरे उस वक़्त के मेरे साथी अभी आपको मैं सिर्फ ये बताऊँ बताने के लिए कि मेरी सीनियरिटी उस वक्त की फ़ौज के साथ कहाँ पहुँचती थी तो ये प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल क्या साहब फोर्टी फिफ्थ पी एम ए के हैं मैं फोर्टी थर्ड पी एम ए का हूँ तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जनरल मुशरफ़ के टाइम पर मेरे सीनियरिटी मेरे कॉलीग्स मेरे कोर्समेट्स कहाँ होंगे उस वक्त अगर मैंने अपनी जात के लिए अपॉर्चुनिज्म करनी होती है तो अब पता भी नहीं है कि पीटीआई जाएगी? तो जाएगीटन कंडीशन हैं अब आप देखेंगे उस वक्त अनसर्टन like नहीं दे दे राएग थे राएग के साथ, then, अगर मैं सही। म, खटक साहब एक आ, आ, आपकी कॉन्ट्रोवर्सीज की तरफ अगर आए जिनको आप शायद ना समझते हो एक एक्स आमिमन की कॉन्ट्रोवर्सीज़ जब आपने मोहतरमा साहिबा के साथ मिलके नसीरुल्ला बाबर साहब आपने कहा कि आपका एक जज्बा था पीपल्स पार्टी को सर्व करने का सर कराची की एम क्यू एम के मुताबिक वो जज्बा इस हद तक महदूद था कि आपका जज्बा था एम क्यू एम के लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली मारना आप इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे मैं आपका पूरा सवाल सही सर समझा समझ नहीं सका हूँ बट अगर आप ये वो एक्सरसाइज वगैरह आपने आई थिंक यू रिलेटिंग टू द कराची ऑपरेशन 95 96 का मैं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ ओपनली कि वो ऑपरेशन ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ था एम के खिलाफ बिल्कुल नहीं था मगर इसके खिलाफ ज़रूर था कि उस वक्त की जो कत्ल वारत उस शहर में हो रही थी वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है जब उस वक़्त इतना मीडिया नहीं था बट जो भी प्रिंट मीडिया आप उस ज़माने का निकाल लें तो वही उसी किस्म की आवाज़ें और ख्वाहिशात लोगों की तरफ से उठती थी जैसे अब पिछले दिनों में जो रमज़ान में टारगेट किलिंग हो रही थी तो जिस तरह कराची के बेचैन थे फिर यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को एक हफ़्ता वहाँ पर वो कोर्ट लगानी पड़ी अब उस वक़्त मीडिया में इतना कुछ नहीं आता था बट कराची के हालात आपसे स्पेशली अगर आप वहीं रह रहे थे उस जमाने में तो आप आपसे छुपा हुआ था कि उस वक्त जो गारत हो रही थी अब देखें अगर ये मिलिटेंट एलिमेंट जो उस वक्त हाई आए कानून की ग्रिफ्ट में वन वे और अनदर अगर वो फिर उनकी आप खत्म करने देंगे खत्म कर रहा हूँ अगर उनकी ज्यादातर की वापस की

ये वन वे और अनदर अनदर से क्या मुराद वन वे और का ये देखें कुछ लोग सरेंडर कर जाते हैं कुछ नहीं सरेंडर करते आपको पता है यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ लॉ सिटीजन ऑन द अदर एंड या तो लॉ अबाइडिंग हो ना उस तरफ भी कि वो कह पुलिस आ गई है हैंड्स अप और आप उसको चले जाएं आप देखें कई जगहों पर इस तरह जब फिर मुकाबला होता रहा पुलिस का जिसके साथ मेरा जाति ताल्लुक कुछ भी इसलिए नहीं है कि वो तो पुलिस हैज़ नेवर बीन अंडर कमांड ऑफ द आई बी आई बी इज रिलेटेड ओनली टिल इंटेलिजेंस की एक्विजिशन तक उसके बाद जो ग्राउंड में हुआ पुलिस गई नहीं हुआ क्या हुआ उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं तो आपका नाम क्यों इतना फो फ्रंट पे आता है मेरा नाम अगर आप अभी देखें आपने भी कितने इल्जाम थोड़ी देर में लगा दिए कि आप अपरचुनिस्ट हैं आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहे हैं सारे वो तो आपको हमने मौके वो तो हमने आपको अपॉरचुनिटी दी थी सर आपके खिलाफ इल्जाम को क्लियर करने की जो आपने बखूबी किया लेकिन अब हम आ गए एक और मौजु पे और वो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग बिकॉज ये एक आप पे ऐसा इल्ज़ाम है जो कि कम से कम कराची में ये इतना बड़ा इशू है कि मैं चाहूंगा कि आप इसको भी क्लियर करें और आप प्रोसेस ऑफ़ डूइंग इट एक देखें तारीख हुई है 95, 96 और आज कौन सा सन चल रहा है 2011 और इस दौरान तकरीबन 97 से जब आ, एम क्यू एम ने हाक़ किया था एक कोलेशन बनाई थी पी एम एल एन के साथ पी 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 के गवर्नमेंट के टूटने के बाद वहाँ से लेकर आज तक कितने साल हो गए जिसके दौरान मुशरफ़ की पूरी गवर्नमेंट एम क्यू एम फुल पावर के साथ सेंटर में भी थी और प्रोविंस में भी थी ये उस वक़्त ये चीज़ें क्यों नहीं उठी है?

जी बिल्कुल 96 में देखे 96 की गवर्नमेंट जब टूटी थी जी उस वक्त मैं लाहौर में था और लाहौर में मेरा ख्याल है सारों सारी गवर्नमेंट्स टूट टूट टू, जब टूटी थी सबसे पहला आदमी मुझे अरेस्ट किया गया था बट मैं अपनी सफाई में सिर्फ ये कहूँगा कि वो <coughs> जब होती हैं जब गवर्नमेंट्स टूटती हैं तो वो सारी सुनी सुनाई बातों पे होती है फलाने ने ये किया फलाने ने वो इसको भी पता एक सेकंड एक सेकंड जी मेरे पास उस वक्त कोई इल्ज़ाम नहीं था जब मुझे अरेस्ट किया गया था बिलावजा और उस वक्त अरेस्ट मुझे पुलिस ने नहीं ने नहीं किया था तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब वो अरेस्ट पॉलिटिकल बेसिस पे हो जाते हैं बाद में मुकदमे बनाए जाते हैं दैट इज़ वाई जो यो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है वो यही है अब मेरे को सबसे पहले अरेस्ट किया था 96 में आई आज द फर्स्ट पर्सन टू बी अरेस्टेड जस्ट बिकॉज uh, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट तोड़ी थी और मैं उनका इंटेलिजेंस चीफ था इंटेलिजेंस चीफ किसी का भी प्राइम मिनिस्टर का कोई हो आजकल के प्राइम मिनिस्टर की तरह के नहीं जो एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर थे तो भुटो साहब के भी जो भी एफ आई उनके साथ भी यही हुआ उसके बाद भी यही हुआ और uh, मेरे साथ भी वही कुछ हुआ सो द पॉइंट इज़ के वो अरेस्ट को मैं कोई मीनिंग नहीं दिया मैं इस चीज़ को मीनिंग देता हूँ कि जब अरेस्ट हुआ तो मैं जेल में था तीन साल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आज वो मेरे साथ थे शायद सुन रहे हो हम एक ही जेल में तीन साल रहे उसके बाद जो है मैं पाकिस्तान में ही रहा हूँ मैं कभी एग्जाइल में नहीं गया और नैब ने मेरे को सारा कुछ देखा हुआ देखा जो इल्ज़ाम लगाए थे मुझे शो कॉज नोटिस दे के डिसमसल किया वही जो है नैब ने फिर छः साल इंक्वायरीज करके वही चार्जेस सारे रद्द किए मेरे कोई ताकत नहीं थी 2006 में कि मैं से भी अपने भी भी आपको, आपको टू एक, एक, एक सेकंड इसी मु इसी मुल्क में मेरा एग्जाइल में नहीं गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एनआरओ के ऊपर ऑब्जेक्ट करते हुए मैंने रिजाइन किया और मेरा नाम किसी एनआरओ लिस्ट किसी बैंक डिफॉल्टर लिस्ट किसी बैंक लोन लिस्ट किसी ऐसी लिस्ट में अगर आप दिखा दें तो मैं आपके ये इल्जाम सारे यहाँ कैमरे के पे हमारे इल्ज़ाम नहीं है वंस अगेन खटक साहब दीज आर क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी टू आंसर सर uh, फारूक लघारी साहब के ज़माने में आपको जब अरेस्ट किया अरेस्ट करने के बाद आपको जब इल्ज़ाम लगाए गए वो उनमें से एक इल्ज़ाम ये था कि आप मोहतरमा की हुकूमत के लिए इख्तलाफ के जो पॉलिटिशियंस थे जो हिस्ब इख्तलाफ के पॉलिटिशियंस थे उनको वायर टैप करते थे उनके फ़ोन टैप करते थे सर ये ये इल्ज़ाम चलें आपने अगर ख़ुद नहीं किया तो ये क्या उस वक्त की रिवायत थी नाइन्टीज़ की सियासत की रिवायत थी कि इंटेलिजेंस ऑफिशल जो हैं वो अपोजिंग सियासतदानों के फोन के अंदर बग लगा के बैठे हुए ए फोन टैपिंग पे आई आई वोंट वेस्ट एनी ऑफ योर टाइम एंड माय टाइम ऑन इट फोन टैपिंग इंटेलिजेंस की एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है आज भी हो रही है हमेशा होती रही है सिर्फ आज से पहले किसी में इतनी जरूरत नहीं रही कि किसी जगह पे उसका इकरार करें मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पर उस वक़्त ये चार्ज जब अपने सिर पे लिया था उस वक़्त मैं को प्रिजन वैन में डियाला जेल से लाया गया था मैं वहाँ कह सकता था कि जी ये मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करती थी मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ जी मेरा क्या कसूर है जी बट नहीं आई सेड ऑल दिस हैज़ वट एवर हैज़ हैपन इन माई फील्ड डी जी आई बी की हैसियत से आई बी के डोमेन में उस सब का जिम्मेवार मैं हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे आप अपने अब मैं ये कह तो ये कहता तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है, अब में है। मतलब इसमें इस, समझ नहीं आती कि इस वक्त जब मैं पीटीआई में नहीं इस वक्त जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ हूँ फिर ये चीजें क्यों आ रही है ये तो बहुत पुरानी के बाद सर्वेंट हाँ। बनना चाह रहे हैं अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड जी देखिये शहीद मोहत बेन भुट्टो की गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी तो सात चार्जेस लगे थे वो छह चार्जेस जो थे वो सारे ऐसे थे कि जिनके ऊपर उनकी डिसमिसल नहीं हो सकती थी सब अखबारी ख़बरें थीं करप्शन ये वो फलाना जो भी थे अब अब उन टू डिटेल सिर्फ एक चार्ज ऐसा था कि जिसमें उनकी गवर्नमेंट को इवन रिवाइव भी किया जा सकता था डिसमिस किया जा सकता था या डिसमिसल का ऑर्डर अपहोल्ड किया जा सकता वो ये था टेलीफोन टैपिंग केस मैं जेल में था मैंने जेल से सुप, सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट भेजा

तो वो जमूरियत में फिर बिलीव और जमहूरी सियासतदानों की करी हो तो फिर वो जमूरियत में बिलीव किस तरह रखते हैं बैक टू दफ्टर ब्रेक मैं मजाबका शमूलियत तैयार कर रहा हूं